ओम ज्ञानतिमिरां दृश्यं ज्ञानञ्जनां शलाकं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नाम। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे सेकंड चैप्टर वर्स में 30 नंबर श्लोक। ये कल परसों हमने शायद 29 नंबर श्लोक को चर्चा किया था। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वापि एनं वेदन चैव पश्यति। भगवान कृष्ण इसमें बताते हैं कि ये जो आत्मा का ज्ञान है, पूर्ण रूप से आत्मा आध्यात्मिक होने के कारण इसके बारे में जो ज्ञान है, इसका जो तत्व है, ये पूरी तरह से आश्चर्यचकित करने वाला है। और कई लोग श्रुत्वापि एनम वेदना चैव कश्चित, इसको सुनने के बावजूद भी कई लोग इसको समझ नहीं सकते। इस प्रकार से भगवान यहाँ पे अमेजिंग एस्पेक्ट ऑफ सोल, आत्मा के आश्चर्यचकित करने वाले गुरु का वर्णन। अभी आखिरी श्लोक है इस आत्म तत्व आत्मविज्ञान के बारे में। यहाँ पे जो 11 नंबर श्लोक से भगवान प्रारंभ किए 30 नंबर श्लोक तक, 20 श्लोकों में भगवान ने गीता में जो पहला सबसे पहला शिक्षा प्रदान किया वो है आत्मा तत्व के बारे में, कि हम लोग ये शरीर नहीं आत्मा है। ये आखिरी श्लोक है और ये कंक्लूजन। इस प्रकार से पूरे आत्म तत्व के विज्ञान का वापस से निष्कर्ष देते हुए भगवान बोल रहे हैं। देहि नित्यम अवध्यवयम् देहे सर्वस्य भारता तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं सोचितुम् अर्हसि। ओ डिसेंडेंट ऑफ भारता, शी हु ड्वेल्स इन द बॉडी कैन नेवर बी स्लेन, देयरफॉर यू नीड नॉट ग्रीव फॉर एनी लिविंग बीइंग। देहि नित्यम अवध्यवयम्, देहि मतलब आत्मा, यही मतलब द ऑनर ऑफ द मटेरियल बॉडी। बॉडी ट्रांसलेशन में लिखता है कि जो इस भौतिक शरीर का ऑनर है, ऑनर मतलब मालिक है, यानी जो इस भौतिक शरीर को ध्यान धारण करके रखना है, यानी अंतर है, देही और देह में अंतर है। धन जिस प्रकार से धन धनी, ज्ञान ज्ञानी, उसी प्रकार से देह देही, देह मतलब ये शरीर और देही मतलब इस शरीर को धारण करने वाला आत्मा, उसको देही बोला जाता है। तो भगवान बता रहे हैं देही नित्यम, जो देही है वो नित्य है, सनातन है, अवध्य अयम, और इसका किसी भी प्रकार से वध नहीं किया जा सकता है। अवध्य अयम, इसको भी इसका नाश विनाश नहीं किया जा सकता है। देहे सर्वस्य भारता, और ये जो देही है, किस देही की बात की जा रही है, जो देहे इस देही इस शरीर के अंदर जो देही उपस्थित है, आत्मा उपस्थित है, हर सर्वस्य, सर्वस्य मतलब हर किसी का, हर किसी का शरीर में, हर प्रकार के जितने भी प्रकार के शरीर हैं, चाहे वो कीट मकोड़े हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, या मनुष्य हो, देवता हो, हर किसी के शरीर में जो देही आत्मा उपस्थित है, वो शरीर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर भी, उसके बावजूद भी, जो आत्मा है वो नित्य रहता है और अवध्य हो, उसका विनाश, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। ये जो शरीर है केवल एक बाहरी आवरण है, और पर्यावरण के नष्ट होने पर भी या परिवर्तित होने पर भी इसके आत्मा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए शरीर किस प्रकार का शरीर है, शरीर के परिवर्तन को ध्यान न देते हुए, तस्मात सर्वाणी भूतानि, तस्मात सर्वाणी भूतानि, जितने भी प्रकार के जीवात्मा है इस शरीर को धारण करके रखे हुए हैं, उनके लिए न तुम सोचितुम अर्हसि, तुम्हें किसी भी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। या शोक क्यों करता है व्यक्ति, शोक उस चीज के लिए होता है जिसको हम अपने जीवन की प्रायोरिटी में रखते हैं, यानी प्राथमिकता में रखते हैं।
अगर कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई जगह हमारी लिस्ट में, हमारे लिस्ट में तो प्राथमिकता में, फर्स्ट प्रायोरिटी में, तो हम उसके खो जाने के डर पे हम शोक करते हैं, उसके खो जाने का डर रहता है और खो जाने पे उसके प्रति हम शोक करते हैं। और कोई भी वस्तु या व्यक्ति या जगह हमारी प्रायोरिटी में रहता है, हम उसको प्राथमिकता देते हैं, उसका क्या कारण है? उसके प्रति आसक्ति होने के कारण, उससे कुछ हमको भोग मिलता है, इंद्रिय तृप्ति मिलता है, वो मिलने के कारण, आसक्ति होने के कारण वो हमारी प्राथमिकता बन जाती है। और प्राथमिकता बनने के कारण वो हमको उसके प्रति शोक होता है। इसलिए जब इस आत्म तत्व को कोई जानेगा, इस ज्ञान को प्राप्त करेगा कि हमारा असली पहचान ये शरीर नहीं, आत्मा है, और आत्मा नित्य है, सनातन है, और आत्मा एक ही है, भले ही कितने भी प्रकार के परिवर्तन शरीर में क्यों ना हो, उसके बावजूद भी आत्मा एक ही बनी रहती है। तो ये जानने पर, ये ज्ञान प्राप्त होने पर शरीर की प्राथमिकता से हमारा जो प्राथमिकता है वो शिफ्ट हो जाएगा, आत्मा के लिए प्राथमिकता हो जाएगी, और इसीलिए हम फिर शरीर के लिए शोक या उसके परिवर्तन पर विचलित नहीं होंगे। इसलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि शारीरिक प्राथमिकता को छोड़ करके आत्मिक, आत्मा के प्राथमिकता, आत्मा को प्राथमिकता देना चाहिए, प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि हम जिस चीज के लिए, जिस वस्तु को, जिस चीज को हम प्राथमिकता देंगे, हम उसको समय भी देंगे और हम उसके लिए कार्य भी करेंगे और उसको संभालने का हम प्रयास भी करेंगे, है ना, भले ही उसके लिए कितना संघर्ष करना पड़े। क्योंकि आज लोगों को ये ज्ञान नहीं है, आत्म ज्ञान नहीं है, आत्मा के बारे में नहीं जानते हैं, केवल शरीर को ही सब कुछ मान के बैठे हुए हैं। इसीलिए शरीर को ही संभालने के लिए, शरीर को ही पूरा प्राथमिकता देने के कारण, शरीर को संभालने के लिए, इसका देखभाल करने के लिए जो है लोग हर प्रकार का संघर्ष करते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, विश्व के एक कोने से दूसरे कोने भी वो भी जा सकते हैं। मुंबई जैसे सिटी में लोग सुबह से लोकल में और रात भर लोकल में ट्रेवल कर सकते हैं, इतना धक्का मुक्का खा सकते हैं, इतना संघर्ष कर सकते हैं, इतना लोग समय देते हैं, क्यों? क्योंकि शरीर को प्राथमिकता दे के बैठे हैं, शरीर को सब कुछ मान के बैठे हैं, इसलिए उसको सही करने के लिए पूरा समय देते हैं। लेकिन जो आत्मा है, जिसके बारे में अज्ञानता है, जिसको नहीं जानते हैं, तो वो प्राथमिकता में नहीं होता है। इसीलिए आत्मा के लिए जब कर्तव्य की बात आती है, आत्मा के कल्याण के लिए बात आती है, तो उसके लिए लोग बोलते हैं नो टाइम, हमारे पास समय नहीं। इसलिए जब उनको बोलो कि आप मंदिर आइए, आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, तो एक माला ही जप करिए, 10 मिनट लगता है, ज्यादा समय नहीं लगता है, एक गीता ले लीजिए, लेकिन लोग फिर भी उसको नहीं करते हैं, बोलते हैं समय नहीं है, क्योंकि उनके जीवन में आत्मा की प्राथमिकता नहीं है, यानी अपने आप की खुद की प्राथमिकता नहीं है, वो केवल शरीर को प्राथमिकता देते हैं जो कि नष्ट होने वाला है, नश्वर है। इस प्रकार से लोग जो है भ्रमित रहते हैं। तो इस भ्रम को, मोह को दूर करने के लिए ही भगवान ने पूरा इस 20 श्लोकों में दूसरे अध्याय के सबसे पहला यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करते दे प्रदान कर रहे हैं। आत्म तत्व का जो विज्ञान है, भगवान ने गीता में पहले, सबसे पहले शिक्षा इसीलिए दिया ताकि हम हमारे जीवन की प्राथमिकता में आत्मा को प्राथमिकता दें, आत्मा के कर्तव्य, आत्मा के कल्याण, आत्मा का जो जिससे हित हो सकता है उसको प्राथमिकता देना चाहिए। और आत्मा का हित, आत्मा का कर्तव्य, आत्मा का कल्याण किसके द्वारा होता है? वो होता है भगवान का सेवा करके, भगवान का नाम का जप करके, गीता पढ़ के, और भगवान से जुड़ करके, भगवान का दर्शन करके, भगवान को प्रणाम करके, वो होता है आत्मा की प्राथमिकता, आत्मा का जो हित है उससे होता है। इसीलिए जो भक्त होते हैं, जो इस ज्ञान को जानते हैं, समझते हैं, उनके जीवन का फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, पहला प्राथमिकता होता है कि हम किस प्रकार से भगवान का सेवा, भगवान का भजन कर सके। इसीलिए इसी को ध्यान में रखते हुए प्रभुपाद जी ने जो मॉर्निंग प्रोग्राम है, सबसे पहला जीवन दिनचर्या के शुरुआत में हमारा ये भजन साधना रखे हैं। सबसे पहले 4:30 बजे मंगला आरती, उसके बाद फिर 16 माला का जप करना, गुरु पूजा, भागवतम क्लास, प्रसाद, ये पूरा पैकेज 4 से 5 घंटे का, ये सबसे प्राथमिकता है। चाहे वो गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, या किसी भी अवस्था में कोई व्यक्ति भक्त क्यों ना हो, उसके जीवन का पहला प्राथमिकता यही है कि वो भगवान के नाम का जप करता है, गीता भागवत का श्रवण करता है। उसके बाद फिर दिन में अपने अलग अलग जो सेवा या कार्य, जॉब करना, धंधा करना, यानी शरीर के लिए वो कर सकते हैं, लेकिन जो प्राथमिकता है आत्मा के लिए देना। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं कि जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं, जिनके जीवन की प्राथमिकता शरीर है, तो वो लोग उठते ही क्या करते हैं,
शरीर के लिए कार्य करते हैं। उठते ही उनको चाय चाहिए, बिस्तर में बैठे बैठे ही चाय चाहिए, बेड टी बोलते हैं, बेड टी चाहिए, उठना भी ना पड़े, सबसे पहले बिस्तर में बैठे बैठे चाय मिल जाए, सामने न्यूज़पेपर मिल जाए, तो उनके जीवन की प्राथमिकता ये शरीर है, इसलिए उनको बेड टी चाहिए। लेकिन जो भक्त लोग होते हैं उनको बेड टी नहीं चाहिए, बेड माला चाहिए, भले ही ठंड लगेगा लेकिन बिस्तर में बैठे बैठे कम से कम जप करेगा वो। जिसको आत्म तत्व का ज्ञान होगा तो आलसी भी बनेगा, तो भक्त है तो वो बैठ के जप ही करेगा इस प्रकार से। फिर जो भौतिकवादी व्यक्ति जिनको आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है, उठते हैं, नहाएंगे धोएंगे और फिर कुछ खाना पीना करेंगे और फिर निकल जाएंगे फिर शरीर के कार्य के लिए। इस प्रकार से पूरा दिन इस तरह से निकाल देंगे, फिर रात को भी आके फिर वही शारीरिक कार्य में लग जाएंगे। तो इस प्रकार से बोलते हैं कि समय ही नहीं हमारे पास, लेकिन उन्हीं के साथ उन्हीं के आसपास रहने वाले भक्त हैं, भले ही उनके जैसे बिजी भी रहते हैं वो भक्त भी, उनका भी बिजनेस है, जॉब है, धंधा है, परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, लेकिन उन लोग भी अपना समय निकालते हैं भगवान का भक्ति करने के लिए। कैसे निकाल लेते हैं, ये जस्ट निर्भर करता है कि कौन किसके जीवन की क्या प्राथमिकता है। इसलिए कोई भी ये बहाना नहीं दे सकता है कि मेरे पास समय नहीं। जैसे भक्त लोग हैं, अभी जैसे कोई भक्त है, अभी उसको कोई आके इनवाइट करेगा कि चलो आज हम लोग मूवी देखने चलते हैं, या चलो पार्टी चलते हैं, या एक रिलेटिव के यहाँ सगे संबंधी के यहाँ शादी ब्याह हो रहा है वहां पे चलते हैं, तो भक्त बोलेगा समय नहीं है, बिजी चल रहा हूँ। हाँ क्यों? क्योंकि भक्त का प्रायोरिटी वो है ही नहीं भौतिक कार्य, जाके मूवी देखे और ये सब कार्य करे, भौतिक चीजें करे, उसके लिए समय कहाँ है। उसी प्रकार से जो भक्त नहीं है, जिनकी प्राथमिकता ये भक्ति नहीं है, जिनको आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है, तो वो मूवी देखना, पार्टी जाना, घूमना फिरना, या अलग अलग प्रकार के पंचायत करना, चर्चा करना, इसके लिए खूब समय रहेगा। लेकिन अगर उनको बोलो कि आप थोड़ा जप करो, 1 मिनट 10 मिनट बैठ के एक माला जप करो, या गीता की क्लास होती है 20-25 मिनट आधे घंटे की, उसको ज्वाइन करो, तो वो बोलते हैं समय नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राथमिकता सेट नहीं है। अब प्राथमिकता क्यों नहीं है? क्योंकि एक आत्म तत्व के ज्ञान की कमी है। इसलिए इस अज्ञानता को दूर करने के लिए ही भगवान कृष्ण सबसे पहला शिक्षा दिए हैं आत्म तत्व का, ताकि हम ये आत्मा को प्राथमिकता में डाल दें। यानी ये जो अभी पहला सेक्शन, या ऐसा समझ लीजिए आप, भगवान कृष्ण के द्वारा उपदेश देने का ये पहला चैप्टर, पहला अध्याय, मतलब कि दूसरा अध्याय है, पूरा बहुत सारे सेक्शन है, यानी पहला भाग जो है संपूर्ण होता है यहाँ पे आज के श्लोक से। और इसका सिद्धि या इसका परिणाम, इसका पूर्ण लाभ उसी भक्त को मिल सकता है जो इस ज्ञान को अच्छे से सुन के समझ के आत्मा को अपने जीवन की प्राथमिकता बना लेता है। यानी आत्मा के हित, आत्मा के कार्य, और वो क्या है? भगवान कृष्ण का नाम जप करना, भगवान का सेवा करना, और भगवान के बारे में और श्रवण कीर्तन करना, कथा सुनना, उपदेश सुनना, इसको जो प्राथमिकता बना लिया है, इसका मतलब उसने इस भगवद गीता के सेकेंड चैप्टर का जो पहला भाग है आत्मा का विज्ञान, इसको समझ लिया है, अन्यथा ये जो श्रवण है ये विफल हो गया है। जैसे इसको गीता पाठ तो कई लोग करते हैं, कई जगह ऐसे हैं कि जब किसी व्यक्ति का मृत्यु होता है तो उसके सामने पूरा सेकंड चैप्टर उसको पाठ कराया जाता है, सेकंड चैप्टर बोला जाता है कि गीता का दूसरा अध्याय पढ़ो। उसका पर्पस क्या है? वो बस ऐसे तोते की तरह पढ़ने के लिए नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि ताकि जब कोई दूसरा अध्याय पढ़ेगा तो सब तो जान पाएगा कि दूसरे अध्याय के सबसे पहला ही शिक्षा भगवान कृष्ण देते हैं कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। इसलिए शरीर के परिवर्तन से ज्यादा भ्रमित मत हो जाओ, इतना शोक में मत डूब जाओ, आत्मा के लिए कार्य करो, आत्म कल्याण के लिए कार्य करो। जिसका मृत्यु होना था तो वो तो चला गया, वो अपना आत्मा का कल्याण किया नहीं किया, वो जो अगर किया तो उसी को लाभ मिलेगा, नहीं किया तो उसी को भोगना पड़ेगा। लेकिन आप जो है इतना भ्रमित मत हो जाओ, इतना शोक में मत चले जाओ कि आपकी आत्मा या आपसे संबंधित और जो लोग जीवित हैं उनकी आत्मा का कल्याण में रुकावट हो जाए। इसलिए गीता का दूसरा अध्याय पढ़ाया जाता है। लेकिन लोग पढ़ तो लेते हैं, पाठ भी कर लेते हैं, देहिनोऽस्मि यथा देह से स्टार्ट करके अंत वंते में देहा सब पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर वही से बैठ के आप शोक करते हैं और फिर वापस से दूसरे दिन से अपने अपने धंधे में चालू लग जाते हैं, तो फिर फायदा क्या हुआ? उसका कोई लाभ नहीं है। लाभ तभी है जब हम इस आत्म तत्व, इस आत्म विज्ञान को हम समझ के अब हम डिसाइड कर लें या निश्चय कर लें कि अब मुझे इसको प्रायोरिटी बनाना है, इसको प्राथमिकता देना अपने जीवन की, और भगवान का दृढ़ता पूर्वक भक्ति करना है, आत्मा के लिए जो जरूरी है वो कार्य करना है।
तब तो ये लाभ होता है। यही आज के श्लोक का निष्कर्ष के रूप में भगवान यहाँ पे अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि देहि नित्यम अवध्यवयम् देहे सर्वस्य भारता तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि, के शरीर के परिवर्तन के लिए शरीर के लिए ज्यादा चिंतित व्यथित शोक मत करो, शरीर का देखभाल करो लेकिन उतना ही करो ताकि शरीर के माध्यम से शरीर का इस्तेमाल करके आप आत्मा का कल्याण कर सको और भगवान के भक्ति में आगे बढ़ सको। अन्यथा शरीर का हर प्रकार से जो ये देखभाल कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं, इतना संघर्ष कर रहे हैं, इस पे पैसा खर्च करते हैं, समय खर्च करते हैं, सब कुछ लगा देते हैं, अपना पूरा जीवन इस शरीर को, अपने शरीर को तथा अपने सगे संबंधियों, परिवार वालों, समाज वालों, देश वालों के शरीर को ही संभालने के लिए, तो सब का सब व्यर्थ, इसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अंततः शरीर नष्ट हो जाएगा, आत्मा के लिए हमने कुछ किया नहीं, आत्मा फिर से वापस से पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम, वापस से जन्म लेना पड़ेगा मृत्यु के पश्चात, और फिर वापस से मृत्यु फिर जन्म, इस प्रकार से जन्म मृत्यु चला रहेगा। इसलिए बुद्धिमान लोग तो ये शिक्षा लेना चाहिए और आत्मा को अपने जीवन की प्राथमिकता बना करके भगवान के नाम का जप श्रवण कीर्तन सेवा को चालू कर देना चाहिए जितना जल्दी हो सके। इंतजार नहीं करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि ठीक है अभी तो शरीर के लिए कर लेते हैं, अभी तो भौतिक प्रकृति कर लेते हैं, अच्छा अच्छा पैसा बना लेते हैं, ये सब कर लेते हैं, फिर बाद में कर लेंगे भजन। भजन भजन कहाँ छूटा जा रहा है, भगवान कहाँ भागे जा रहे हैं। हाँ भक्त लोग तो वैसे भी नहीं भागने वाले हैं, भक्त तो हमको छोड़ेंगे नहीं, पकड़े रहेंगे, बार बार आके इस्कॉन वाले तो आएंगे ही कि चलो हरे कृष्ण जप करो, बाद में कर लेंगे, लेकिन बाद में नहीं कर पाएंगे भजन, ये संभव नहीं है। और बाद में किसने देखा है ना, कोई नहीं जानता है कि बाद में कब होगा, कल किसने देखा है ना, तो किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, ये सत्य थोड़ी ना है कि सबको बुढ़ापा मिलेगा उसके बाद ही मृत्यु होगी। राम राज्य में एक बार एक पिताजी के उसका पुत्र का नहीं, युधिष्ठिर महाराज के राज की बात है, कि ब्राह्मण के पुत्र को का मृत्यु हो गया, तो ब्राह्मण जाके युधिष्ठिर महाराज को जाके ब्लेम करने लगे कि आपके राज्य में आपका राज्य सही से नहीं चल रहा है, पिता के होते हुए पुत्र का मृत्यु कैसे हुआ, यानी आप कुछ पाप कर रहे हैं। सोचिए ऐसा जाके उन्होंने ये केस केस डाल दिया। आज के समय में कोई केस कर सकता है प्रधानमंत्री को कि हमारे पुत्र का मृत्यु हुआ है, आपने कुछ पाप किया है, आप अधर्मी हो इसलिए, लेकिन उस समय ऐसा वो केस कर दिया, वो खैर अलग स्टोरी है। उसमें तो भगवान विष्णु महाविष्णु ही जानबूझ के उस ब्राह्मण के सारे पुत्रों को उठा के ले जा रहे थे, क्योंकि उनका इच्छा था कि इस माध्यम से अर्जुन को भगवान कृष्ण लेके आएंगे और कृष्ण का दर्शन प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब ये है कि सत्ययुग द्वापर त्रेता युग की बात अलग है, अभी कलयुग है, किसी भी समय किसी का भी मृत्यु हो सकता है। हाँ प्रभुपाद जी से एक बार एक रिपोर्टर ने बोला कि ये भक्ति भजन तो बुढ़ापे में करना चाहिए। हाँ तो प्रभुपाद जी प्रश्न पूछे कि बूढ़ा कौन है, हु इज एन ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा किसको बोलते हैं आप, तो उसने आंसर दिया कि जो मृत्यु के करीब है वो बूढ़ा है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कैन यू गारंटी यू विल नॉट डाई बिफोर मी, कि आप क्या गारंटी दे सकते हैं कि आप मेरे से पहले नहीं मरोगे। प्रभुपाद जी का उम्र उस वक्त 75-76 साल था लगभग, और वो रिपोर्टर यंग था, 35-40 साल का रहा होगा। प्रभुपाद जी पूछे कि बताओ आप बूढ़े हो कि मैं बूढ़ा हूँ, तो आप गारंटी दे सकते हो कि आप मेरे से पहले नहीं मरोगे, कोई गारंटी नहीं, यानी आप भी बूढ़े हो मैं भी बूढ़ा हूँ, हर कोई बूढ़ा है, तो बुढ़ापा वैसे ही आ चुका है, बुढ़ापा मतलब जो मृत्यु के नजदीक है, मृत्यु कभी भी आ सकती है, इसलिए हर कोई बूढ़ा है, इसलिए ये बहाना नहीं देना चाहिए कि बुढ़ापे में करेंगे भजन, अभी से करना चालू कर देना चाहिए। और दूसरा बुढ़ापे में कैसे करेंगे, जीवन भर अगर कोई भौतिक कार्य पैसा 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 किया है तो मृत्यु के समय बुढ़ापे में क्या आएगा, वही पैसा पैसा आएगा, क्योंकि जो पैसा इकट्ठा करके सब रखा है तो उसका हमेशा ही टेंशन बना रहेगा कि मेरे बच्चे और पोते लोग इसका गलत इस्तेमाल ना करें, वही टेंशन हमेशा बना रहेगा, तो कैसे कर पाएगा भजन, वो नहीं हो पाएगा भजन, हरे कृष्ण जप नहीं हो पाएगा, हाथ में माला नहीं पकड़ पाएगा, हाथ हिलेगा, जवान से हरे कृष्ण नाम नहीं निकल पाएगा, शरीर घुटने में दर्द करेगा, तो कैसे होगा। अभी हम लोग यंग हैं, नौजवान हैं, अभी हमको थोड़ा सा अगर बुखार हो जाता है, कुछ शरीर में दर्द होता है, तो हमारा माला वाला सब 10 मील दूर चला जाता है, कहीं कुछ पता पता नहीं रहता है कि आज माला जप हुआ नहीं, प्रभु जी आज माला जप नहीं हो पाया, क्यों प्रभु जी आज सुबह से मेरा जो है ना सिर दर्द कर रहा है। अरे तो सिर दर्द कर रहा है तो जवान तो नहीं दर्द कर रहा ना, कान तो दर्द नहीं कर रहा और हाथ तो दर्द नहीं कर रहा, तो माला तो आपको हाथ से फेरना है, जवान से बोलना है, कान से सुनना है, सिर दर्द कर रहा है ठीक है दवाई लेके बैठ जाओ जब करो, तो
लेकिन नहीं हो पाता, ये प्रैक्टिकल बात है, हमको सोचना चाहिए। तो फिर हम कैसे सोच सकते हैं कि बुढ़ापे में फिर हम कर पाएंगे? बुढ़ापे में तो एक साथ बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, घुटना भी दर्द करेगा, पेट भी दर्द करेगा, बैक पेन भी हो रहा है, सिर दर्द भी कर रहा है, कमजोरी भी लग रही है, और सबसे सबसे बड़ी बात तो मन हमेशा चिंतित व्यथित रहेगा।